हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है हमारे आसपास क्या है। आसपास, आसपास का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर। हम प्रतिदिन सूर्य को देखते हैं, सूर्य का भी अपना एक परिवार है जिसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार। उस सौर परिवार के अंदर 8 ग्रह है, उसके अंदर एक ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर आपको पता है कि सभी सजीव क्या कर सकते? जीवित रह सकते। एकमात्र यही ग्रह है जहाँ पर सजीव क्या कर सकते? जीवित रह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान, हवा, जल और कैसे है, इस वजह से पृथ्वी पर सभी सजीव क्या कर सकते? जीवित रह सकते। आज से बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी क्या था? एक आपका गोला। यही यहाँ पर मैंने पृथ्वी बनाई। इस पृथ्वी के पहले क्या गोला ऐसा माना जाता था कि सूर्य से क्या हुआ? अलग हुआ। धीरे धीरे ये आपका गोला क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। धीरे धीरे आपका गोला क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। और जैसे जैसे ये ठंडा होने लगा तो ये द्रव स्वरूप में रूपांतरित होने लगा। इसमें द्रव स्वरूप में रूपांतरित हुआ। द्रव स्वरूप रूपांतरित होकर कुछ भाग इसका किसमें रूपांतरित हो गया? ठोस स्वरूप के रूप में। किसके रूप में? ठोस स्वरूप में। तो उसने एक मृदा आवरण का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे और स्वरूपों का रूपांतरण हुआ, फिर द्रव का हुआ, लिक्विड फॉर्म में हुआ, तो किसका हुआ? जलावरण का हुआ। इसी प्रकार से और भी क्या हुआ? बहुत सारी गैसेस भी निकली, तो गैस का रूपांतरण हुआ और किसका निर्माण हुआ? वातावरण का निर्माण हुआ। तो आपने देखा कि जैसे जैसे पृथ्वी का उद्भव हुआ यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी पर क्या हुए? अलग अलग आवरणों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो देखिए पृथ्वी पर ये चार आवरणों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हुआ मृदा आवरण, जो कि ठोस स्वरूप में, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर जो पृथ्वी की सतह है वो कैसी है? मृदा आवरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? और ये भूभाग का कितना? 29% है। फिर नेक्स्ट है हमारा जलावरण, जो कि द्रव स्वरूप के रूप में रूपांतरित हुआ, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। 71% है। नेक्स्ट है वातावरण, जो हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे गैसेस है, जैसे 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% ऑक्सीजन और 1% जो है वो अन्य गैसेस भी है। और फिर लास्ट में होता है जीवावरण। तो देखिए हम यहाँ पर पृथ्वी के चार परतों के बारे में चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने हमारे आसपास का चित्र बनाया। चित्र से आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे क्योंकि ये हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको घर नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यहाँ पर आप देखोगे ये खेत है, ये खेत का नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आवरण नजर आएगा? कौन सा? मिट्टी वाला आवरण, सतह वाला आवरण, जिसे हम क्या कहेंगे? मृदा आवरण। क्या कहेंगे बच्चों? मृदा आवरण कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर मिट्टी है, सतह है, तो उस आवरण को हम कौन सा आवरण कहते हैं? मृदा आवरण। और ये पृथ्वी का ऊपरी स्तर है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है? पानी का दरवाजा रखा है ना, जहाँ पर बहुत सारे आपको जीव भी नजर आ, जैसे मछली है, डक है और बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। तो ये जो आवरण है, जो पृथ्वी का निचला हिस्सा भी और पृथ्वी के ऊपर भी हम देखते हैं, समुद्र के रूप में, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, पोखर के रूप में, तो ये आवरण हमारा कौन सा कहलाता है? जलावरण। जल से ढका हुआ जलावरण। आया समझ में? उसके बाद देखिए ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पहाड़ नजर आ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर आप देख रहे हो क्या नजर आ रहे हैं? बादल नजर आ रहे हैं। बादल के अलावा आप देख रहे हो कि बहुत सारे जैसे पक्षी है, विमान है, ये उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी गैसेस भी होगी, तो उस आवरण को हम क्या कहते हैं? वातावरण। आया समझ में आपको? नेक्स्ट, अब आप देख रहे हो कि वातावरण ये जलावरण है, मृदावरण है। देखिए ये मृदावरण हो गया, ये हमारा जलावरण हो गया, ये हमारा वातावरण हो गया। ये तीनों जहां पर क्या है? उपस्थित है। यहाँ जहाँ पर भी ये तीनों उपस्थित है वहां पर एक आवरण बनता है, जिसका नाम क्या है? जीवावरण। यानी कि ये तीनों होने पर ही सभी सजीव क्या कर पाएंगे? जीवित रह पाएंगे। और उस आवरण को हम क्या कहते हैं? जीवावरण। आया समझ में आपको? और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवावरण उपस्थित है। आया समझ में? अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आज मृदावरण के बारे में कि मृदावरण क्या होता है, मृदावरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलावरण के बारे में। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मृदावरण।
जैसा अभी अपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा था कि हमारे आसपास में कितने चार आवरण होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा आवरण। मृदा आवरण को हम बोलते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते उस भाग को क्या कहते हैं, मृदा आवरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि बच्चों, हम जिस भाग पर निवास करते वो हमारा कौन सा आवरण है, मृदा आवरण। मृदा अर्थात मिट्टी। मृदा आवरण का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी, और आवरण का मतलब क्या होता है, सतह या परत। पृथ्वी के ऊपर सतह मिट्टी चट्टाने जैसे ठोस पदार्थों का बना होता है। जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह वो कैसे चट्टानों से और मिट्टी से, ठोस पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, जिसके कारण वह घनावरण या शिलावरण के रूप में भी पहचानी जाती है। यह आवरण पृथ्वी की सतह से लगभग कितना, 29% भाग जो है पृथ्वी के ऊपर, 29% जो भाग है वो कैसा है, हमारा भूभाग। भूभाग यानी कि मृदावरण का भाग। यह सतह लगभग 64 से 100 किलोमीटर जितनी मोटी, कितनी इसकी मोटाई कितनी मृदावरण की, 64 से 100 किलोमीटर। यह सभी स्थानों पर एक समान मोटाई पर नहीं होती। आप देखते हो कहीं पर कैसे स्थान होते, कहीं खुदरे होते, कहीं समतल होते, अलग अलग तरह के स्थान होते, यानी कि एक समान इनकी मोटाई नहीं होती। फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। वह लगभग मिट्टी और चट्टाने जैसे द्रवों की बनी हुई है। इस भूभाग पर बहुत सारे, अब देखो आपको पता है जैसे हमारा मृदा आवरण है, बहुत सारे क्या बने, पर्वत बने हुए, पठारी प्रदेश है, मैदान है आदि पाए जाते, तो कहीं समतल मैदान भी देखने को मिलते। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती। हम पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे यानी कि आंतरिक तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में क्या होती, वृद्धि होती। मैंने पहले आपको प्राकृतिक आपदा वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक तरफ क्या है, बहुत सारे क्या है, पृथ्वी के भूगर्भ में चट्टाने जो होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, और पिघल के स्वरूप में किस में बदल जाती है, वो मैग्मा के रूप में, जिसे भूरस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैसेस है जो गर्म होने से ऊपर की तरफ क्या करती है, दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। आपको पता है ना बच्चों कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसेस, और वो गैसेस क्या करती, पिघल कर और प्रेशर करती कहाँ, बाहर निकलने के लिए। परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है, यानी कि ऊपर की तरफ भी क्या है, बहुत सारी गैसेस, और आंतरिक में भी क्या है, बहुत सारी गैसें, और ये एक दूसरे को क्या करती है, दबाव डालती। इस तरह गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते। अब ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है और आंतरिक तरफ से प्रेशर लग रहा है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, एकदम संतुलित यानी कि एक बैलेंस बना के चलते हैं। परंतु अगर ये पृथ्वी की सतह फटती, इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह फटती नहीं, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ गया कि यानी कि ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा जोर लगने लगेगा या आंतरिक रूप से ज़्यादा जोर लगने लगेगा तो सतह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होता है, ज्वालामुखी का फटना होता है। यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, तो मृदावरण किस तरह उपयोगी, सबसे अच्छी बात है कि मृदावरण से क्या मकान बनते हैं, पीने के लिए पानी, भोजन के लिए खेती, उद्योग, ये सारा कहाँ होता है, मृदावरण में ही होता है ना। खनिज, जंगल, ये मृदावरण कैसे संभव हो सकता है, हम आज हमने मृदावरण के बारे में पढ़ा था, अभी हमने मृदावरण के बारे में पढ़ा कि मृदावरण हमारे लिए कैसे उपयोगी, हम मकान बना सकते हैं, पीने के लिए पानी हमको वहाँ से मृदावरण से मिलता है, यहाँ तक कि खनिज लवण है, खेती के लिए, उद्योग के लिए, सारा हमको कहाँ से प्राप्त होता है, मृदावरण से। तो आपको समझ में आया कि पृथ्वी के जो ऊपर हम जहाँ निवास करते हैं वो हमारा कौन सा आवरण है, मृदावरण। अब अपन नेक्स्ट आवरण पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जलावरण। जलावरण जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जलावरण यानी कि जल से भरा हुआ आवरण। यस, पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग, अब क्या बोला, पृथ्वी की सतह का कौन सा भाग, नीचे वाला भाग जहाँ पर पानी से घिरा हुआ है, यानी कि वह भाग जो पानी से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, जलावरण। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग काफ़ी अधिक है। आपको पता है ना हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे क्या है, महासागर है, यानी कि भूभाग कम है, ज़्यादा क्या है, पृथ्वी पर पानी है। जलावरण लगभग 71% जितना भाग रुके हुए, आपने देखा था भूभाग तो कितना था, 29%, बट जलावरण कितना है, 71%। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग अर्थात महासागर। अब आपको पता है जलावरण सबसे ज़्यादा जल भंडार यानी कि कहाँ एकत्रित होता है, महासागरों के अंदर, बड़े बड़े महासागर अर्थ पर, जिसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद, आर्कटिक महासागर के रूप में पहचाना जाता है। आपको पता है ना पृथ्वी पर 5 महासागर है जो काफ़ी क्या है, विशाल हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भूमि विस्तार के पास आए हुए स्थानीय जल विस्तार समुद्र, सागर, उपसागर, खाड़ी, जल डमरू के मध्य में पहचाना जाता है। सिर्फ पृथ्वी पर महासागर ही नहीं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, तालाब भी है, नदियाँ भी है, सागर भी है, उपसागर भी है, झरने भी है, तो यहाँ सब में भी क्या है, पानी है। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और काफ़ी क्या होते हैं, गहरे होते, कहीं कहीं पर तो इसकी 10 से 11
किलोमीटर जितनी क्या होती है गहरी खाइयाँ भी है। खाइयाँ मतलब बहुत ही गहरा भी देखने को मिलता है। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश और खाइयाँ भी हैं। समुद्र में कितना पानी होता है, अब ये एक आप क्या कहते हैं समुद्र में कितना पानी है, और पानी कैसा होता है, खारा होता है जैसा हमें पता है, नमकीन सा होता है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% पानी कैसा है बच्चों, समुद्र के अंदर पाया जाता है। और वो समुद्र वाला पानी कैसे पीने योग्य है, नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, खारा पानी। शेष पानी का लगभग 3/4 पानी दोनों ध्रुवों पर, ध्रुवों मतलब समझ में आता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, आपको पता है ना, वो ध्रुवों पर क्या हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पर किसके रूप में पाया जाता है, बर्फ के रूप में। आपको पता ना जो ध्रुव है उन ध्रुवों पर जो वाटर है वो किसके रूप में पाया जाता है, ग्लेशियर्स के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में पाया जाता है। और शेष पानी का कुछ सरोवर में, नदियों में, कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित होता है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है। आप सभी को पता है कि पीने लायक पानी बहुत ही क्या है, हमारे यहाँ पर कम है। पानी तो बहुत सारा, बट वो सारा पानी कैसा है, खारा पानी। यह मीठा पानी जलावरण की भेंट है, और ये जलावरण की क्या हमें भेंट है, मीठा पानी। हम कौन सा पानी पीते हैं, मीठा या खारा, मीठा पानी पीते। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठे पानी की आवश्यकता हो, प्रत्येक सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीठे पानी की आवश्यकता। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा। अब आपको पता है मीठा पानी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा। अभी वर्षा चल रही है और वर्षा के द्वारा ही हमें क्या होता है, मीठा पानी प्राप्त होता है। वाष्प समुद्र में से आता है, समुद्र में से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ भी प्राप्त होता है। समुद्र में जो पानी है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती, क्या होता है, बहुत सारे रसायन प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, नमक प्राप्त होता है, और यहाँ तक कि मछली भी प्राप्त है। जिस तरह पृथ्वी धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व, उसी तरह समुद्र में भी जीव सृष्टि आई है। देखिए जैसे पूरे सृष्टि के अंदर सजीवों का अस्तित्व, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी जीव सृष्टि, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे क्या है, अलग अलग तरह के प्लांट है जो कि जलीय प्लांट है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव भी है, जैसे फिश है, ऑक्टोपस है, झींगा मछली है, ऐसी बहुत सारी फिशेज, और ये भी एक क्या है, समुद्र के अंदर भी एक जीव सृष्टि है। मछली महासागरों कि लहरें, प्रवाह और ज्वार भाटा में हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती। आपको पता है ना बच्चों, अगर पानी को ऊपर से गिराया जाता है तो क्या विद्युत शक्ति यानी कि बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम समुद्र और महासागरों के द्वारा क्या कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, कौन से रास्ते के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा। तो आपको समझ में आया कि जलावरण और मृदावरण किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, और ये पृथ्वी की सतह पर कहाँ पाए जाते हैं। आपका चैप्टर सेकंड जिसका नाम है हमारे आसपास क्या है। अगले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारे आसपास चार प्रकार के आवरण है, जो मैंने आपको चित्र में समझाए थे, कौन कौन से है, मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। मृदावरण और जलावरण के बारे में हमने देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे कौन सा आवरण, वातावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसे हम क्या नाम देंगे, वातावरण। मृदावरण तो हमने देखा था बच्चों, जैसे खेत में देखा था, लोगों के घर देखे थे, चित्र में देखे थे, तो वो आवरण जो पृथ्वी की सतह पर था वो तो हमारा क्या था, मृदावरण। इसी प्रकार से हमने सरोवर, तालाब, उसके भी चित्र देखे थे, वो हमारा क्या था, जलावरण। परंतु जो ये वातावरण है उसको हम देख नहीं सकते, अपनी आंखों से वातावरण को देखा नहीं जा सकता। दूसरी बात, ये पृथ्वी की सतह से कितना, लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, समझ में आया। नेक्स्ट, वातावरण के अंदर बहुत सारे क्या पाई जाती है, गैसेस होती है। वातावरण के अंदर गैसेस भी होती है, धूल के कण होते हैं, रजत कण होते हैं, पानी के वाष्प के और सूक्ष्म जीव भी आपको देखने को मिलते हैं। आया समझ में। अब वातावरण के अंदर ऐसी कौन कौन सी गैसेस होती है जिनके बारे में, तो देखिए वातावरण के अंदर मैंने कौन कौन सी गैसेस होती है उसके लिए मैंने एक पाई चार्ट बनाया है, जिसमें देखिए 78.03% जो है वो हमारी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। ये पृथ्वी पर यानी वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आया नेक्स्ट जो है हमारी कौन सी, ऑक्सीजन गैस, जो हमारे क्या है, प्राण वायु। इसी की वजह से तो पृथ्वी पर जीवन है। ये कितनी है, 20.99%। बच्चों इसको अगर ये भी लिख सकते हैं 21% भी, हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन कितनी है, तो कितनी है, 21%। क्लियर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी है, 0.03%। ये गैस का है हमारे वातावरण में मौजूद है। उसके अलावा अन्य गैसेस भी जो कितनी है, 1, जैसे नियॉन, आर्गन, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे वातावरण में
में मौजूद है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए ओजोन गैस, ये हवा में खूब कम प्रमाण में पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है बच्चों, ओजोन गैस हमें क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। जैसे आपने अगली कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये गैस हमारी क्या करती है, रक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, आने वाले अल्ट्रावायलेट का क्या करती है, शोषण करती है। वातावरण में मुख्य तत्व पानी होता है, जैसा आपको पता है हमारे वातावरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वाटर यानी कि पानी। क्यों, क्योंकि पानी क्या करता है बच्चों, गर्मी बहुत तेज होती है तो क्या बनता है, वाष्प बनकर उठता है। वाष्प बन उठ के क्या बनाता है, सघन होकर क्या बनाता है, बादल का निर्माण करता है। और बादल का निर्माण करके फिर वो पुनः क्या करता है, बरसात के रूप में आता है, आता है यानी गर्मी। तो मुख्य वातावरण में अगर कोई मुख्य तत्व है तो वो कौन है, हमारा पानी। ये वाष्प के जमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गर्मी भवन। जो बादल बनते हैं ना उसके वाष्प का जमना क्या कहलाता है, गर्मी भवन कहलाता है। और ये गर्मी भवन के कारण क्या होता है, बरसात होती है, ओले गिरते हैं, हिम वाष्प वाष्प के रूप में ये स्वरूप में बदलता है। यहाँ तक कि वातावरण के माध्यम से ही क्या कर सकते हम, एक इंसान से दूसरे इंसान की बातों को क्या कर सकते, सुन सकते। क्योंकि वातावरण में जो हवा होती है, क्या होती है, हवा, ये क्या करती है, एक माध्यम का काम करती है। जैसे रेडियो, आप दूरदर्शन, टीवी ये देखते हो ना, तो इसके अंदर आपको जो कुछ साउंड सुनाई देता है तो उसके लिए वातावरण में कौन जिम्मेदार होता है, हवा। क्योंकि हवा क्या है, एक माध्यम का कार्य करती है। तो आपको समझ में आया कि वातावरण हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, वातावरण में कौन कौन सी गैसेस है। आया समझ में, चलो काउंट कीजिए। अभी हमने देखा था वातावरण, वातावरण की ये बताता है, जैसे बच्चों देखो आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग होते हैं तो वो उस पर भी किसका इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का। जैसे अलग अलग देशों की बात करें तो उनके रंग रूप, उनकी वेशभूषा, सब पे भी किसका इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का। जैसे आप देखते हो कि अगर ठंडे प्रदेश के लोगों को देखते तो उनकी स्किन अलग होती है, और अगर वही गर्म इलाके की अगर हम देखते तो उनकी स्किन क्या होती है, अलग अलग। यानी कि हमारे यानी कि सजीवों पर क्या होता है, वातावरण का भी एक इफेक्ट रहता है। आगे हम पढ़ेंगे जीवावरण। जीवावरण ये हमारा चौथा आवरण है। जीवावरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। ये जीवावरण क्या होता है, मृदावरण, जलावरण और वातावरण, पृथ्वी पर ये तीन आवरण, जहाँ पर ये तीनों आवरण है और जहाँ सजीव क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, ऐसे आवरण को हम क्या कहते हैं, जीवावरण। क्योंकि यही एक आवरण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी पर सभी लोग यानी कि जितने भी सजीव है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, प्राणी है, जीव जंतु, वो सभी क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। आया समझ में, यस। और जीवावरण के अंदर सभी जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जीवावरण के अंदर दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक, ये दोनों बहुत जरूरी पर्यावरण के मुख्य तत्व, इन दोनों की वजह से ही क्या हमारा जीवावरण। अजैविक घटक के अंदर कौन कौन सा आते हैं, जैसे मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, तापमान और आर्द्रता, ये सभी किसके अंदर आते हैं, कौन से घटक के अंदर, अजैविक घटक के अंदर। और जैविक घटक के अंदर वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव और मनुष्य, ये भी किसमें आ जाएगा, हमारा जैविक घटक के अंदर। आया समझ में। तो ये दोनों यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक की वजह से ही क्या हमारा कौन सा आवरण बना हुआ, जीवावरण। तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब हमने जीवावरण के बारे में पढ़ा, जैसे जीवावरण बहुत जरूरी है और यही है एकमात्र जो पृथ्वी पर मौजूद है। अब अपन नेक्स्ट ये पढ़ते हैं, जैसे हमने चार आवरण पढ़े थे, उन चार आवरण की वजह से क्या हो रहा है, मानव प्रवृत्तियों के कारण, मानव की अपनी प्रवृत्तियों के कारण क्या हो रहा है, अपनी गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरण पर प्रभाव। जैसे आप लोगों को पता है कि मानव जो होता है यानी कि मनुष्य, अपने फायदे के लिए न जाने कितना क्या कर रहा है, पर्यावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड है हमारा खनिज, आप देखते हो कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए इधर क्या करें, खनिजों को क्या कर रहे हैं, लगातार मिट्टी का क्या करते जा रहे हैं, खनन करते जा रहे हैं। कोई तेल की कुएं खुदवा रहा है, कोई मिट्टी का लगातार खनन करवा रहा है। आप देखते हो हैंडपंप, ट्यूबवेल, न जाने कितनी तरह से हमारी मिट्टी का लगातार क्या होता चला जा रहा है, खनन होता जा रहा है। तो जिससे आपकी वजह से क्या हो रहा है, मृदा आवरण में क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। जो संतुलन था, जो बैलेंस बना हुआ था हमारे वातावरण में, उस वातावरण में संतुलन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बिगड़ रहा है। क्यों, मनुष्य लगातार क्या कर रहा है, उस मिट्टी का क्या कर रहा है, खनन करता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे उद्योग, जैसा आपको पता है कि अब आजकल विकास के नाम
निर्माण से बहुत सारे कल कारखाने, पावर स्टेशन, न जाने कितने उद्योग कल कारखाने, जिससे कि बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और वो धुआं क्या कर रहा है, हमारे वातावरण के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे वातावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो आपने देखा जैसे वातावरण में गैसों के द्वारा क्या हो रहा है, उसका संतुलन भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है औद्योगिक कचरा। जैसे आप देखते हो शहरों के अंदर क्या होता है, बहुत सारा कचरा निकलता है, आयरन औद्योगिक कचरा निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, रासायनिक पदार्थ, ये सारा पदार्थ क्या होता है, कहाँ जाता है, पानी के अंदर जाकर, नालों के द्वारा क्या होता है, पानी में जाकर मिल जाता है, जिससे क्या होगा, अब पानी में यानी कि जैसे तालाबों में, समुद्र में, नदियों में जाकर मिल जाएगा, तो वहाँ पर हमारा जो वाटर यानी कि जो जल था उसका भी क्या हो रहा है, जलावरण का भी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। तो देखिए जो चारों आवरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, हमारे आसपास के आवरण थे, उन्हीं में मनुष्य ने क्या किया, अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा, अपनी गतिविधियों के द्वारा उन्हें क्या करता जा रहा, लगातार प्रदूषित करता जा रहा। तो आपको समझ में आया, अभी हमको क्या करना है, हमारे ये जो चार आवरण है उनको क्या करना है, सुरक्षित रखना। आपको समझ में आया चैप्टर? थैंक यू स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिए।